नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज हम चर्चा करेंगे उड़ीसा पर हुई ट्रेन दुर्घटना के बारे में। There's been a tragic train accident of the Coromandel Express. It is an accident involving three trains, two passenger trains and one goods train. So Balasor mein bahut bada rail hadsa hua hai aur Odisha ke Balasor mein bada train hadsa hua hai. Train durghatna jo badhti hui aaj Bharat ki chhavi ko niche lane ki koshish ki hai. Dekhi hal hi mein kal raat ke din teen train aapas mein bhid gayi. Usme se ek maal gaadi thi aur do yatri passenger train thi. और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, वहीं 1000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ऐसी लैक ऑफ व्यवस्था और 21वीं सदी में यह देखने को मिली है पहली बार। आपको बता दें कि दुनिया में कहीं भी इतना गहरा सदमा और इतनी गहरा एक्सीडेंट कहीं भी नहीं देखा गया। आपको बता दें कि हाल ही में हमारे रेल मंत्री ने कहा था कि भारत एक कवच सिस्टम ला रहा है। कवच सिस्टम यानी दो ट्रेनें आपस में आ रही हों तो उनके पायलटों को या फिर उनके रेलवे मास्टर को पता चले या फिर ना चले, वो पहले से आकर के आप एक निश्चित दूरी पर रुक जाएंगी। पर उनका यह कवच यहां फेल मार गया। आपको बता दें कि रेल मंत्री ने बताया कि इस दुर्घटना में रेलवे कवच का उपयोग किया ही नहीं गया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है और यह अभी भारत के पूरे रेलवे ट्रैक पर नहीं लग पाया है। धीरे धीरे करके इसे लगाया जा रहा है और उसका उपयोग पूर्वी तट में किया गया था, ना कि पश्चिमी तट पर। और यह घटना उड़ीसा पर हुई है। हालांकि यह कहा जा सकता है कि यदि यह रेलवे कवच को लगा दिया होता तो आज यह दुर्घटना बच जाती और भारत के 300 लोग मरने से और 1000 लोग घायल होने से बच जाते। देखिए, जब दो ट्रेनें आपस में चलती हैं तो उनका ड्राइवर केवल उसकी गति डिसाइड करता है, बाकी की चीज़ें डिसाइड करते हैं स्टेशन मास्टर। और स्टेशन मास्टर की ही गलती की वजह से इन ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था। आपको बता दें कि दुनिया के देश इस पर मीम भी बना सकते हैं। हालांकि अभी तो इस पर कोई भी मीम नहीं बना है, इसमें दुनिया के अलग अलग देशों ने इन पर दुख जताया है। पर आपको बता दें कि 21वीं सदी की यह सबसे बड़ी घटना है और इस तरह की घटना जहाँ आज हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतना ऊपर जा चुकी है कि हम किसी भी चीज़ को कवर कर सकते हैं, पर इस घटना से अंदर से झकझोर करके रख देने वाली है कि यदि हम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकते हैं कि हम दो ट्रेनों को आपस में भिड़ने से बचा सकें, तो फिर क्या ही टेक्नोलॉजी उन्नत की, और ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जो लोगों की जान ले। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय।